सकते हैं। यहाँ बारिश में देखो ऐसे गंदा हो जाता है, तो इसको मैं थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ वाइपर से, क्योंकि गाड़ी लेके आए ना तो ये गंदा हुआ है, तो उसको थोड़ा सा मैं फिर सारी पूरी गंदगी। और यहाँ पर मैंने बाल्टी भर के रख रखी है ये पानी की। मेन के दरवाजे के सामने गाड़ी खड़ी रहती है, आना जाना ही बस इतनी सी जगह है यहाँ पर निकलने के लिए। अगर साफ नहीं करेंगे तो मक्खी वक्खी आ जाएंगी खूब ढेर सारी, इसलिए इसको साफ करना जरूरी है। यहाँ पर मैंने आज रखी थी ये बाल्टी बाहर, क्योंकि पानी गिर रहा है 3-4 दिन से, तो वो क्या गंदा बहुत हो जाता है, सुबह धो और थोड़ी देर बाद ही ना गंदा हो जाता है आने का। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है और अब गंदगी नहीं है यहाँ पर, तो फिनाइल भी डाल दूँगी थोड़ा सा। और एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, आजकल जो कॉल आ रहे हैं और तो इसी टॉपिक में मुझे आप लोगों से बात करनी है, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को फुल वॉच करिएगा, ब्लॉग को फुल वॉच करिएगा, तो आप मेरे को मैं क्या बताना चाहती हूँ उसको आप प्लीज़ सुनिएगा और उस बात पे ध्यान दीजिएगा आप, मतलब किसी तरह की कोई गलती मत करिएगा, तो वही मैं आपको बताऊँगी। और बस आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। पर इसमें मैं चाय बना रही हूँ डोंगे में, तो तपेली में नहीं बनाती, मुझे तो इसमें अच्छा लगता है बनाना, तो यहाँ पर मैं इसमें बना रही हूँ। तो आज मैं काली चाय बना के निकालूंगी सबसे पहले अपने लिए, उसके बाद फिर दूध वाली चाय बनाऊंगी, क्योंकि ग्रीन टी तो है नहीं। पहले काली चाय निकाल लूँगी थोड़ी सी पत्ती डाल के, उसके बाद मैं फिर बनाऊंगी। और यहाँ पर देखिए इस तरह से मार्जरीन बनाया था मैंने, इसे मार्जरीन बनाया था तो इसको रख रखा है, इसको मैं थोड़ा गर्म कर दूंगी, उसके बाद इसको साफ करूंगी, क्योंकि घी एकदम जमा हुआ है इसमें, क्योंकि घी के बर्तन है ना उनको तो अलग ही साफ करना चाहिए, नहीं तो सारे बर्तनों में चिकनाहट आती है। यहाँ पर मेरी चाय तो बन गई है और मैंने छान ली है और इन लोगों की बना देती हूँ। तो इसमें मैं डाल देती हूँ शुगर, क्योंकि मैंने अपनी चाय फीकी निकाली है, और इनकी मैं डालूँगी शक्कर और थोड़ी सी चाय की पत्ती और डालूँगी, और फिर दूध डाल दूँगी, थोड़ी सी अदरक भी डालनी है मुझे, मेरी मैं डालना भूल गई मैं, और फिर इनकी बनती रहेगी आराम से। मैं पहले मेरी पी लेती हूँ, और अदरक वाला आया था तो अदरक भी ले ली थी मैंने, क्योंकि मतलब आज बहुत सस्ती अदरक थी, 25 की आधा किलो, हाफ के जी दे रहा था 25 किलो, तो 30 रुपये की करके गया वो अदरक। और आलू के लिए बोलता है कि 25 रुपये किलो आलू दिए उसने, तो 30 रुपये किलो दे रहा था, मैंने कहा 25 के लगाओ, तो बोला हाँ मैं ही दे रहा हूँ इतने सस्ते, बाकी तो मार्केट में तो बहुत महंगे हैं। अरे आलू की कीमत जो होगी वही दोगे, क्यों सस्ता दोगे तुम भाई? सब्जी वाले भी जाने कैसी कैसी बातें करते हैं, क्यों सस्ता देगा सब्जी वाला? फेरी लगाएगा, घर घर घूमेगा, घर घर घूमेगा, और फिर इतनी सस्ती सब्जी दे के जाएगा, जो उसको पूरेगा वही दे के जाएगा। तो मैंने तो फिर 50 के 2 किलो लिए, तो 4 किलो लिए थे, ऊपर भी लेना था देरानी को और मैंने भी लिए। और बस इस तरह से मैं तो भाव करती हूँ सब्जी वालों से, मैं तो हर चीज़ का भाव करती हूँ, बिना भाव के मुझे समझ में भी नहीं आता है। सिर्फ जो कपड़े हैं ना बस उनमें भाव मुझे नहीं जमता है कपड़ों में। और चलिए चाय को उबलने देते हैं और मैं मेरी चाय पी लेती हूँ, क्योंकि ठंडी हो जाएगी ना, तो फिर गर्म गर्म ही पीना चाहिए, जो काली चाय और ग्रीन टी होती है ना उसको गर्म गर्म ही हल्का हल्का पीना चाहिए कुनकुना। तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ पीछे वाले कमरे में, तो यहाँ पर ये काव्या इतनी मस्ती कर रही है ना कि मैं इसको पोएम बोली हूँ याद करने का, तो इसको है ना पीसी पे पोएम निकाल के दे दिया है और वो याद कर रही है, तो उसका जो वॉइस है इस वजह से मुझे म्यूट करना पड़ा। The ant can blow 10 little toes. तो यहाँ चल रही है पोएम लर्निंग, लेकिन याद नहीं हो रहा है इसको, और देखते हैं, क्योंकि बुक्स रहती है ना तो बुक से पढ़ाना इजी रहता है, जबकि अब बुक्स नहीं है सिर्फ मोबाइल। तो बुक्स नहीं है ना इस वजह से प्रॉब्लम जा रही है मुझे भी, और ये भी नहीं पढ़ पा रही है, तो क्योंकि बुक्स में रहती है ना तो अपन उसको क्या लर्न करवाते रहो, और अभी यहाँ पर मोबाइल में व्हाट्सएप पे उन लोग सेंड कर देते हैं।
लेकिन मैंने यहाँ तो पीसी में लगवा दी इसको, मैंने कहा इसमें लगा दो तो इसमें से पड़ती रहेगी, क्योंकि मोबाइल मेरे यूज़ में आता है और भी बार बार वो भी डिस्टर्ब होती है, मैं भी डिस्टर्ब होती है। अभी बुक होती तो अपन उसमें से पढ़ा देते, जब चाहो जब बुक को खोलो और पोएम लर्न करवा दो। और आज आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है कि मैंने आपको देखा है, आपने देखा है कि टाइटल में कुछ लिखा था कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया, 25 लाख। 25 लाख इतनी बड़ी रकम है जिसको कमाने में सालों लग जाते हैं, तो आप सोचिए इतना बड़ा नुकसान अगर हो जाए तो फिर तो ज़िंदगी मतलब जीना मुश्किल पड़ जाए। और ये एक तरह से सही है कि अगर 25 लाख हमको नुकसान हो जाता है तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है। तो मेरे पास ये 25 लाख का नुकसान मुझे कैसे हुआ ये मैं आपको बताती हूँ। तो मेरे पास कॉल आया था कि आपका है ना आजकल ऐसे बहुत हो रहे हैं, इसलिए आप बिल्कुल सावधान रहिएगा। हम कई बार क्या सोचते हैं कि अरे हमको 25 लाख का नुकसान हो गया, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल सही है। आप इस बात का विशेष ध्यान रखना जब भी आपके पास कोई कॉल आता है, और मेरे पास तो 2-3 बार आ चुके हैं। तो मेरे पास कॉल आता है कि आपके 25 लाख की लॉटरी निकली है और आपका बैंक अकाउंट नंबर चाहिए और आपका जो चेक है वो फलाने निकाले व्यक्ति के पास कर दिया, हमने भेज दिया है, तो आप उनसे बात कर लीजिए और वो चेक वहाँ से ले लीजिए। इस तरह से मतलब कॉल करते हैं, तो हम लोग को नॉलेज नहीं रहता, पता नहीं रहता है, तो हम क्या ये गलती कर जाते हैं। लेकिन ऐसी गलती कभी नहीं करनी, कभी भी अपना बैंक अकाउंट किसी को नहीं देना है, क्योंकि 25 लाख की लॉटरी निकलना ऐसी मामूली बात नहीं है। कोई भी 25 लाख की लॉटरी अपने को ऐसी नहीं दे देगा, बिना बिना मेहनत के पैसा कहीं से भी नहीं मिलेगा। इसलिए आप इस तरह की गलती मत करना, कभी भी अपना बैंक अकाउंट किसी को नहीं देना। और जो कॉल आता है उसकी बात सुन के या तो काट दो या उनकी बात को इग्नोर कर दो, और या फिर कोई समझदार व्यक्ति है तो उसको दे दो अगर आपसे बात नहीं करते बन रही है तो। लेकिन इस तरह की गलती बिल्कुल नहीं करना है। मैं 2-3 बार हो चुका है मेरे साथ, और मेरी देवरानी के पास भी आया था, तो वो हमेशा मेरे पास लेके आती, उसके पास भी 2-3 बार आ चुका है कॉल, तो वो मेरे पास लेके आती थी। फिर मैं तो बड़े स्टाइल में पता चल गया ना, इनके पापा ने ही बता दिया इस तरह से किसी को जानकारी नहीं देनी है। तो एक बार तो आया था, तो फिर मैंने ये बोला, मैंने कहा अरे वाह 25 लाख के तो बहुत अच्छी बात है, आप घर बैठे आके देके चले जाओ मुझे, और 25 लाख में तो मेरा मकान बन जाएगा। इस तरह से मैंने बोला, तो फिर वो बोलता है कि मैडम आप इंटरेस्टेड नहीं हो आपका चेक लेने में करके। मैंने कहा नहीं इंटरेस्टेड हूँ, मैंने कहा आप घर पर देके जाओ मुझे चेक, और फिर मैं निकलवा लूँगी पैसे, ऐसे करके बोला, तो उसने फिर फ़ोन काट दिया। तो इस तरह से बिल्कुल आपको सतर्क रहना है, मतलब लापरवाही नहीं करना है। इसीलिए मैंने अपने टाइटल का नाम रखा था 25 लाख का नुकसान, तो ये नुकसान नहीं है, ये समझदारी है जो हमने अपनी जानकारी किसी को नहीं दी है। तो आप भी इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, और बस ये बात मुझे आपसे करनी थी, तो मैंने कहा आपके साथ मतलब शेयर करूँ इस बात को। बहुत से लोग रहते जिनको नहीं पता रहती है सब चीज़ें, तो इसीलिए मैंने आपके साथ ये शेयर करा है। और बस ये बात यहीं ख़त्म होती है, उसके बाद तो कॉल आते नहीं, और आते हैं तो हम लोग इसी तरह से बात करके और रख देते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में, और मैंने जो आपको बताई है बात उसका विशेष ध्यान रखना, किसी का कॉल आए तो उसको या तो अटेंड मत करो, कोई अननोन नंबर हो तो उसको बिल्कुल अटेंड मत करो, और अटेंड कर रहे हो तो कोई बात कर रहा है इस तरह से तो किस तरह से हैंडल करना है। और आज मैं बनाऊंगी बिरयानी, क्योंकि कल मैंने नॉनवेज बनाया था तो वो बच गई थी, तो उसी के मैं बिरयानी बनाऊंगी। तो चलिए देखते हैं बिरयानी कैसे बनाते हैं। बनी हुई सब्ज़ी से बिरयानी बनाना तो बहुत आसान है, वैसे भी हम बिरयानी बनाते हैं तो सब्ज़ी को बनाना ही पड़ता है पहले, फिर उसके बाद बिरयानी बनती है। तो आप चाहो तो मतलब बनाना ही पड़ता है उसको, थोड़ा बहुत तो पकाना ही पड़ता है। तो यहाँ सब्ज़ी रखी थी तो मैंने सोचा बिरयानी बना लेते हैं, बच्चे ने बोला कि बिरयानी बना लेते हैं, ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है, तो सिर्फ चावल के साथ में मुझे सब्ज़ी को डाल के और सीटी लगा लूँगी, तो ये बिरयानी बनके तैयार हो जाएगी। और गंदगी तो ज़्यादा कुछ हो नहीं रही, तो साफ साफ दिख रहा है थोड़ा, क्योंकि बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, और तो बारिश के मौसम में गंदगी तो होती नहीं, धूल मिट्टी उड़ती नहीं है। और यहाँ पर मैं ना ये चावल बना रही हूँ, ये जो दुबार होते हैं ना 2 या 3 टुकड़ी वाले चावल होते हैं ना, वो वाले बना रही हूँ, क्योंकि मैं डेली उसमें वही यूज़ करती हूँ। और जब कोई रेसिपी या कोई गेस्ट आता है तब फिर मैं साबुत वाले जो फ्रेश चावल होते हैं ना वो बनाती हूँ, तो हम लोग को वही अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं वही बनाती हूँ। तो यहाँ पर ये पका हुआ तेल जो मैंने बताया था आपको रख रखा था मैंने, तो ये ख़त्म हो चुका है, तो अब इसको मैं धोने में रख दूँगी लोटे को। और ये जला हुआ लोटा है जिसमें मैंने मेरी ग्रीन टी जल गई थी ना, तो उस लोटे में मैं इस तरह से काम में ले लेती हूँ। और पका हुआ तेल मतलब ऐसे यूज़ में ले लेती हूँ मैं, और प्याज से छोंक दूँगी इसमें थोड़ा सा मसाला और बनाऊँगी, क्योंकि बिरयानी बना रही तो थोड़ी चटपटी बिरयानी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने मसाले डाल दिए हैं, और उसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ चावल। तो चावल को थोड़ी देर पकाऊंगी, मतलब 1-2 मिनट पकाएंगे इसके अंदर मसाले के साथ में, ताकि मसाला भी अच्छे से भून जाए। और उसके बाद ये डाल देंगे जो हमने नॉनवेज रखा था ना, वो डाल दूंगी इसमें। और ज़्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि मसाला वैसे ही पका हुआ है, सब्ज़ी बनी हुई है वो, तो हमको इसको ज़्यादा नहीं पकाना है।
तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी डाल के और अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल देंगे, जितना पानी चावल में लगे उतना डाल दीजिएगा। आप यहाँ किस तरह से चावल खाते हैं बताइएगा, मेरे यहाँ तो खिले खिले चावल खाना पसंद करते हैं, और जो एकदम पतले पतले हो जाते हैं ना, एकदम घुटवा हो जाते हैं, वो नहीं अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पानी मैं हिसाब से ही डालूंगी। और आप लोग को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ ज़्यादा ही शेयर करिए, और डिसलाइक तो मुझे भर भर के मिल रहे हैं, पता नहीं क्यों, क्या पता किसको समझ में नहीं आते हैं ब्लॉग पे क्यों डिसलाइक दे देते हैं, नहीं अच्छे लगते होंगे शायद, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ये बिरयानी बन जाएगी ना, और एक सीटी आ जाएगी, उसके बाद इसको बंद कर दूँगी और फिर हम सब लोग बिरयानी खाएंगे। आप लोग भी आ जाना, और बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। और आपको जो मैंने एक बात बताई है, कॉल वाली किसी का कॉल आया करना है, और अगर अटेंड भी कर रहे हो तो बिल्कुल ध्यान रखिए, किसी को आपका अकाउंट नंबर नहीं देना है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही काफ़ी, बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग हो जाएगा, कोई वॉच भी नहीं करता इतना लंबा, 11 मिनट का व्लॉग, उसके बाद उसके साथ में फिर एड, तो नहीं नहीं हो पाता, नहीं कर पाते इतना ज़्यादा वॉच। तो चलिए बस मैं ख़त्म करती हूँ, फिर मिलूँगी दोबारा आप लोगों से, बाय, थैंक यू।